वेलकम बैक स्टूडेंट्स, दिस इज पार्ट सी ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर क्लास 12. इन दिस प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन अबाउट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, अबाउट द एड्स कॉज टू ऑर्गेनिज्म, देन इन विच डे इट इज सेलिब्रेटेड फॉर अवेयरनेस, एंड देन वी आर सीइंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वायरसेस. HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने देखा है और उसके सिम्टम्स भी देखे हैं. अब हम उसकी वर्किंग देखेंगे कि हाउ इट इज वर्किंग. ओके, सो एज वी नो दैट दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दैट वायरस एंड इट इज हैविंग द सर्फेस प्रोटीन्स. ये जो कलर डार्क कलर से दिखाया हुआ है दैट इज कॉल्ड ए सर्फेस प्रोटीन्स एंड इट इज कॉल्ड एज GP120. ओके, सो हियर सी, दिस इज जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इट इज हेल्पर टी सेल. ये होस्ट की सेल है, मीन्स एक पर्सन की बॉडी की ये सेल होती है. ओके, ब्लैक कलर की सेल. We know that helper T cells and these are the antigen binding sites. Means ये जो antibodies होगी उसके ऊपर क्या है, इसे specific receptors होते हैं. These receptors are binding with antigens. ये जो बाहर की कोई भी antigen रहेगी तो उसको specific type के ही ये receptors रहेंगे, they will catch them. Okay? तो ये antigen antibody reaction हो जाएगी यहाँ पे. लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो virus है वो कभी भी एंटीजन के टाइम में वर्क करते वक्त क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है उसकी बॉडी के ऊपर का, दैट इज रिमूव्ड फॉर इट इज एज अ प्रोटेक्टिंग कवर. ओके, वो प्रोटेक्टिंग कवर के जैसा काम करता है जिसकी वजह से बाजू के दूसरे भी सेल्स को समझ में नहीं आता कि इट इज हैविंग द एंटीजन. ओके, तो ये सेफली आता है. वंस इट इज बाइंडिंग विद द T4 सेल्स, यहां पर क्या है, CD4 सेल हम इसको बोलेंगे. ओके, दीज आर द टी हेल्पर सेल्स और मैक्रोफेज भी उसको बोल सकते हैं. ओके, तो यहां पर क्या होता है, इट इज बाइंडिंग विद दैट, सो एट अ स्मॉल पीरियड, बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वो प्रोटीन रिमूव हो जाता है यहां से, मतलब ये जो कवर है वो रिमूव हो जाता है. और वेन एवर इट इज रिमूव्ड द सिम्टम्स लाइक माइल्ड फीवर और माइल्ड इन्फेक्शन विल अपियर्स, मतलब हमारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा इन्फेक्शन उस टाइम पे दिखाई देता है, लेकिन हम जनरली लाइटली लेते हैं उसको, इतना सीरियस नहीं लेते उस इन्फेक्शन को. और उसी टाइम पर वो बैक्टीरिया जो वायरस है वो बाइंड होता है टी हेल्पर के सेल्स के साथ. ओके, सो CD4 सेल्स आर बाइंडिंग विद दिस बैक्टीरिया सॉरी वायरस एंड देन द RNA इज एंटरिंग इन टू द टी हेल्पर सेल. तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो टी हेल्पर सेल है उसके अंदर ये RNA क्या करेगा, एंट्री करेगा जब ये बाइंड किया है तभी. ओके, एंड फॉर शॉर्ट पीरियड, तो बहुत ही फास्ट ये इसके अंदर चला जाएगा. वंस इट विल एंटर इन टू द टी हेल्पर सेल्स, इट विल मल्टीप्लाई फास्ट विद इन द टी हेल्पर सेल. तो ये टी हेल्पर सेल के अंदर चला गया और वहां पर मल्टीप्लाई हो जाता है. सो वॉट विल हैपन, इट द काउंट ऑफ टी हेल्पर सेल विल बिकम डिक्रीज. तो यहां पर क्या है, टी हेल्पर सेल क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि टी लिम्फोसाइट्स आर डिक्लाइनिंग. टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं, डिक्लाइन होते हैं. अब ये टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, दे आर इम्पोर्टेंट हैविंग अ मेजर रोल इन द इम्यून सिस्टम. हमारी जो लिम्फेटिक सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन टी लिम्फोसाइट्स का. बट वंस इट विल गेट डिक्रीज नंबर ऑफ वीक इम्यून सेल्स, जो लिम्फोसाइट्स है उसका कम हो गया, सो वॉट विल हैपन, द पर्सन विल बिकम वीक, सो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन विल ऑक्यूर्स टू दैट पर्सन. ओके, तो यहां पर क्या होगा कि अलग अलग टाइप के डिसीजेस होना उस पर्सन को शुरू हो जाएगा. तो वंस ये जो इन्फेक्शन हो गया तो ये मल्टीप्लाई करेगा, ये वायरस क्या करेगा, इस सेल से दूसरे टी हेल्पर सेल के अंदर चला जाएगा और यू विल मल्टीप्लाई अगेन फास्टली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जो सेल का काम था कि उसको किल करने का, वही सेल उसको हेल्प कर रही है मल्टीप्लाई करने के लिए. मीन्स ये वायरस उसी के ऊपर अटैक कर रहा है. ड्यू टू दिस देर इज मच मोर लेस चांसेस फॉर द बेटरमेंट ऑफ दैट पर्सन, क्योंकि एड्स के ऊपर अभी तक कोई भी 100% मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. हम सिर्फ उसको ट्रीट करके लाइफ स्पैन उसका बढ़ा सकते हैं उस पर्सन का, लेकिन श्योर शॉट हमारे पास उसकी मेडिसिन अवेलेबल नहीं है. ओके, सो ये जो वायरसेस है वो क्या है, दीज आर हैविंग एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा ऑल्सो. तो ये चांसेस है कि अगर इफ दैट मदर इज हैविंग द एड्स, देन हिज न्यू बॉर्न ऑल्सो विल गेट द एड्स वायरस थ्रू द प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा से वो क्रॉस करके उस न्यू बॉर्न बेबी के थ्रू भी
एंट्री कर सकता है उस बॉडी के अंदर, या फिर मिल्क सकिंग अगर छोटा सा बेबी है तो उसको भी चांसेस होते हैं वायरसेस ट्रांसफर होने के. ओके, सो हाउ वी कैन डिटेक्ट दिस दैट पर्सन इज हैविंग द डिजीज? सो देर आर सम स्पेसिफिक टेस्ट लाइक इलाइजा. इलाइजा टेस्ट है जो कि स्क्रीनिंग करने के लिए, प्राइमरी जो स्क्रीनिंग होती है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ इलाइजा. द लॉन्ग फॉर्म ऑफ इलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और मीन्स प्रॉपरली टेस्ट है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि जो एंटीजन एंटीबॉडी का जो रिएक्शन है, बाइंडिंग रिएक्शन, थ्रू दैट वी कैन डिटेक्ट दैट पर्सन इज हैविंग द एड्स और नॉट. अगेन कन्फर्मेशन करने के लिए कि श्योर शॉट ही इज सफरिंग फ्रॉम द एड्स, दैट ही इज एड्स पॉजिटिव और नेगेटिव, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक इज ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द कन्फर्मेशन पर्पज. सो इलाइजा एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग आर यूज फॉर द एड्स पर्पज. ओके, देन विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स आर गिवन? सो यहाँ पर क्या होता है कि जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एज ART, इट इन्वॉल्व द यूज ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्रग्स. तो यहाँ पर क्या है, सम टाइप ऑफ नेम्स आर देयर. ये जो ड्रग्स होते हैं वो ट्रीट करने के लिए पेशेंट को दिए जाते हैं, लेकिन पेशेंट की सिर्फ लाइफ स्पैन हम बढ़ा सकते हैं या फिर थोड़ा सा उसके अंदर क्योर कर सकते हैं, लेकिन 100% उसको कंप्लीटली रिकवर नहीं कर सकते. सो वॉट आर द डिसीज ड्रग्स? दैट इज एजिडोथाइमिडिन और AZT वी कैन से. अनदर ड्रग इज रिट्रोवीर, देन स्ट्रूविरिडिन, देन डियोरिग्जिनोसाइन, एंड अनदर नेम इज देयर दैट इज डिओक्सीराइबोसाइटिडिन. तो ये जो सभी डिसीजेस के लिए ट्रीटमेंट करने के लिए ड्रग्स यूज किए जाते हैं, दीज आर इम्पॉर्टेंट. जब भी हम मीन्स MCQ सॉल्व करते हैं तो इस टाइप के जो ड्रग्स के नाम दिए जाते हैं तब हमें कन्फ्यूजन होता है कि विच टाइप ऑफ ड्रग इज यूज फॉर द विच टाइप ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिसीजेस. ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रीटमेंट के लिए जो डिसीजेस के लिए होते हैं. कॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज देयर, हाउ इट इज वर्किंग, ऑल दीज डिसीजेस. ओके, नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट द नेक्स्ट डिसीज दैट इज ट्रांसफर्ड बाय द सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज. अनदर इम्पॉर्टेंट लास्ट पॉइंट रिलेटेड विद दिस एड इज दैट कि ये जो कॉज होता है जो 1% टू अनदर वो क्यों होता है? ड्यू टू द अनप्रोटेक्टेड सेक्स, समटाइम्स थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड ऑल्सो, ट्रांसफर ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड ऑल्सो, और नीडल्स, और थ्रू प्लेसेंटा ऑल्सो. तो यहाँ पर जब भी हम किसी नाई के पास जाते हैं दाढ़ी करने के लिए या फिर बाल कटाने के लिए तो जो सीजर्स होते हैं तो मोस्टली वो किसी को अगर लग गया, जख्म हो गए तो वहां से उसी से अगर दूसरे पर्सन को भी लग गया तो जहां पर सो ट्रांसफर होता है ब्लड का, सो दैट इज द वन केस. समटाइम्स ड्यू टू द एड्स ट्रांसफर, मतलब जो एड्स वाला पर्सन है उसका ये ब्लड दूसरे पर्सन के अंदर चला गया तो भी चांसेस होते हैं एड्स होने के. या फिर सर्जरी के वक्त प्रॉपरली अगर इंस्ट्रूमेंट्स हैंडल करके वक्त उसको डिसइन्फेक्ट नहीं किया होगा तभी भी चांसेस है कि एक पर्सन टू अनदर पर्सन ये डिसीजेस ट्रांसफर हो सकते हैं. ओके, ये जो नीडल्स होते हैं वो ही एक ही नीडल बहुत सारे लोगों के लिए भी यूज किया होगा तो भी चांसेस होते हैं. ओके, एंड अनप्रोटेक्टेड सेक्स इज द मेन रीजन. ओके, सो दिस इज अबाउट द एड्स डिसीज. रेस्ट वी विल सी इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.